हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग यूनिट 9 का पार्ट 1 कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोगों ने 3 बजे की क्लास में किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि 1 नवंबर से क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको सारे यूनिट्स के रिवीजन, PYQs, मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिल जाएंगी उनको। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और मेरा रिफरल कोड Aleem10 यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चेंजिंग मोशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम का जो मोशन चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। स्थान और समय की बदलती धारणा, जो स्थान और समय की बदलती धारणा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस। अंतरिक्ष का समाजशास्त्र नहीं होगा, ये स्थान का समाजशास्त्र होगा, अंतरिक्ष नहीं बल्कि स्थान का समाजशास्त्र होगा। ठीक, जॉर्ज सिमेल हैज सीन एज द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू दिस फील्ड। ठीक, तो सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस जो फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर कौन से हैं, जॉर्ज सिमेल। ठीक, जॉर्ज सिमेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस। स्थान का समाजशास्त्र इसके सबसे महत्वपूर्ण, इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री किसको माना जाता है, जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। ठीक, जॉर्ज सिमेल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समाजशास्त्री माना जाता है स्थान का समाजशास्त्र से लेकर। ठीक, सिमेल रोट ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस इन हिज 908 बुक सोशियोलॉजी, 1908 बुक सोशियोलॉजी। तो 1908 बुक में बुक इनकी पब्लिश हुई थी, सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक, तो इनकी बुक का नाम था सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन। इस बुक में जो प्रकाशित हुई थी, जो पब्लिश हुई थी 1908 को, और इसमें ही इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस की बात की। तो सिमेल ने जो है सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस की बात अपनी बुक सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन जो पब्लिश हुई थी 908 को, इसी में उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस की बात की। सिमेल ने अपनी 1908 की, यानी कि 1908 की पुस्तक सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन में स्थान के समाजशास्त्र पर लिखा है। तो स्थान के समाजशास्त्र पर जॉर्ज सिमेल ने अपनी पुस्तक जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें उन्होंने स्थान
प्रस्थान के समाजशास्त्र की बात की। His concern included the process of metropolitanization and the separation of leisure space in modern economic society. तो उनका जो कॉन्सर्न है मेन, वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोसेस ऑफ मेट्रोपॉलिटनाइजेशन। सो मेट्रोपॉलिटनाइजेशन आता है उसमें, प्रोसेस ऑफ मेट्रोपॉलिटनाइजेशन एंड द सेपरेशन ऑफ लेजर स्पेस, और लेजर स्पेस का सेपरेशन इन मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटीज। मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटीज में जो मेट्रोपॉलिटनाइजेशन हो रहा है या लेजर स्पेस का सेपरेशन हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा बात की। उनकी चिंताओं में इन्होंने किसकी बात की है, उनकी चिंताओं में महानगरीकरण की प्रक्रिया और आधुनिक आर्थिक समाजों के अवकाश के स्थान को अलग करना शामिल है। ठीक, जो भी आधुनिक आर्थिक समाज के अवकाश हैं उनके स्थानों को अलग करना शामिल है, और उसके साथ साथ महानगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी इसमें शामिल है। इन सब की बात ये जॉर्ज फिमेल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? प्रॉक्सिमिक्स इज द अमाउंट ऑफ स्पेस पीपल प्रीफर टू हैव व्हेन एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन विद अदर्स। मतलब कि प्रॉक्सिमिक्स किसको कहते हैं, एक आदमी कितना स्पेस रखना चाहता है अपने पास, ठीक, जब वो दूसरे के साथ किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होता है, किसी बातचीत में जब वो इन्वॉल्व होता है तो अपने पास कितना स्पेस रखना चाहता है, ये इसी को प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल क्वाइंड दिस वर्ड इन द अर्ली 1960s। तो प्रॉक्सिमिक्स का वर्ड किसने क्वाइंड किया था? एडवर्ड हॉल ने किया था 1960s। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु क्वाइंड द टर्म प्रॉक्सिमिक्स, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल, एडवर्ड हॉल ने जो है इस टर्म को फाइंड किया था, और इसका मतलब ये था कि कितना स्पेस एक आदमी प्रेफर करता है अपने पास रखने के लिए जब वो दूसरे के साथ बातचीत में आता है, तो जब वो दूसरे के साथ बातचीत करता है तो वो कितना स्पेस अपने पास रखना चाहता है, तो इसी को प्रॉक्सिमिक्स कहा है एडवर्ड हॉल ने। ठीक, प्रॉक्सिमिक्स वो जगह है जो लोग दूसरों के साथ बातचीत करने में शामिल होने पर पसंद करते हैं। ठीक, तो प्रॉक्सिमिक्स वो जगह है जो दूसरे के साथ बातचीत करने पे एक आदमी शामिल करना चाहता है अपने पास रखना चाहता है, ऐसी जगह को प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। ठीक, और ये मानव विज्ञानी एडवर्ड हॉल ने 1960 के दशक की शुरुआत में इस शब्द को गढ़ा था। तो इस शब्द को 1960 के दशक की शुरुआत में एडवर्ड हॉल ने गढ़ा था। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमिक्स शब्द को किसने गढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए मानव विज्ञानी एडवर्ड हॉल ने गढ़ा था, और ये कहा था कि ये वो ऐसा स्पेस है जो एक आदमी अपने पास रखना चाहता है जब वो दूसरे से बातचीत करता है, तो ये ऐसा स्थान है जो एक आदमी अपने पास रखना चाहता है जब वो दूसरे से बातचीत करता है। तो ही क्लासिफाइड 4 मेजर प्रॉक्सिमिक्स जोन, इन्होंने 4 मेजर प्रॉक्सिमिक्स जोन को क्लासीफाई किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू एडवर्ड हॉल व्हाट आर द 4 मेजर प्रॉक्सिमिक्स जोन। तो सबसे पहला है द इंटीमेट स्पेस। एक तो इंटीमेट स्पेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होती है, ठीक, एक दूसरे से बात करते वक्त बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होती है, तो उसी को क्या कहेंगे, इंटीमेट स्पेस। दूसरा है पर्सनल स्पेस, ठीक, किसी किसी मामले में आप अपना पर्सनल स्पेस बचाए रखना चाहते हैं। ठीक, हाँ, इससे समझिए कि प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं एक ऐसा स्पेस जिसके थ्रू जो है एक आदमी एक दूसरे से बातचीत करता है। जैसे पहला एग्जांपल है द इंटीमेट स्पेस, मतलब आपका जब किसी के साथ पर्सनल रिलेशन होता है तो वहाँ पे इंटीमेट स्पेस आता है। इंटीमेट स्पेस यानी कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होती है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बचाव वगैरह नहीं करते, ठीक, बहुत फ्री होकर बात करते हैं, तो एक वो इंटीमेट स्पेस हो गया। पर्सनल स्पेस क्या है, जब आप किसी से फॉर्मली मिलते हैं तो अपना पर्सनल स्पेस बचाए रखते हैं, ऑफिशियल स्पेस को वहाँ पे यूज करते हैं, तो अपना पर्सनल स्पेस को यहाँ पे बचाए रखते हैं। सोशल स्पेस, सोशल स्पेस क्या है, आप समाज में किस तरह से रह रहे हैं, आप अपना स्पेस अलग रखते हैं और सोशल स्पेस को अलग रखते हैं। एंड नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पेस, जहाँ पे सारे पब्लिक आकर आपस में बातचीत करते हैं, वो पब्लिक स्पेस होता है।
तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये 4 जून बताया है एडवर्ड हॉल ने प्रॉक्सिमिक्स के बारे में कि प्रॉक्सिमिक्स के 4 जोन होते हैं। पहला है इंटीमेट स्पेस, दूसरा है पर्सनल स्पेस, तीसरा है सोशल स्पेस और चौथा है पब्लिक स्पेस। ठीक, उन्होंने 4 प्रमुख समीपस्थ क्षेत्रों को वर्गीकृत किया। तो प्रॉक्सिमिक्स को समीपस्थ भी कहा जाता है। ठीक, उनके 4 क्षेत्रों को इन्होंने वर्गीकृत किया है। सबसे पहले है अतरंग स्थान। अतरंग स्थान किसके साथ आप रखते हैं? जहाँ पे आपका बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप हो, घनिष्ठ संबंध हो, वहाँ पे आप अतरंग स्थान रखते हैं। व्यक्तिगत स्थान, सामाजिक स्थान और सार्वजनिक स्थान, तो ये 4 स्थान हैं समीपस्थ क्षेत्रों को वर्गीकृत करते वक्त 4 प्रमुख वर्ग बताया है उन्होंने एडवर्ड हॉल ने, जिसमें आता है अतरंग स्थान, व्यक्तिगत स्थान, सामाजिक स्थान और सार्वजनिक स्थान। ठीक, नेक्स्ट आता है हेट्रोपिया। हेट्रोपिया क्या है? हेट्रोपिया इज अ कॉन्सेप्ट इलेबोरेटेड बाय फिलोसोफर मिशेल फुको इन हिज एसे ऑफ अदर स्पेसेस। तो उनका एक एसे था जिसका नाम था ऑफ अदर स्पेसेस, जिसमें उन्होंने हेट्रोपिया का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, तो हेट्रोपिया एक कॉन्सेप्ट है जिसको किसने दिया था? मिशेल फुको ने दिया था अपने एसे ऑफ अदर स्पेसेस। ठीक, तो हेट्रोपिया एक अवधारणा है जिसे दार्शनिक मिशेल फुको ने अपने निबंध ऑफ अदर स्पेसेस में विस्तृत किया। ठीक, तो ये जो हेट्रोपिया वर्ड है, जो शब्द है, जो अवधारणा है, ये सबसे पहले मिशेल फुको ने दिया था और एक अपने निबंध में दिया था, जिस निबंध का क्या नाम था? ऑफ अदर स्पेसेस। इसी में उन्होंने इसको विस्तृत किया। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, कौन से हिस्से में दिया था, ये तो हो गया। ठीक, कि मिशेल फुको ने दिया था, ऑफ अदर स्पेसेस में दिया था। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब सर्टेन कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कर्सिव स्पेसेस दैट आर समहाउ अदर्स अदर डिस्टर्बिंग इंटेंस इनकम्पैटिबल कंट्राडिक्टरी और ट्रांसफॉर्म। ठीक, कुछ सांस्कृतिक संस्थागत और विवेकपूर्ण स्थानों का वर्णन करने के लिए जो किसी तरह अन्य है, परेशान करने वाले, तीव्र, असंगत, विरोधाभासी या परिवर्तनकारी, ऐसे स्पेसेज ये होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत इनकम्पैटिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। तो उन स्पेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए मिशेल फुको ने हेट्रोपिया का टर्म यूज़ किया। टू डिस्क्राइब सर्टेन कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कहते हैं कि कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन होते हैं या कुछ डिस्कर्सिव स्पेसेज होते हैं, कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन होते हैं या कुछ डिस्कर्सिव स्पेसेज होते हैं जो किसी न किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करते हैं, इंटेंस होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। ठीक, उन स्पेसेस को, उन कल्चरल इंस्टीट्यूशन को या डिस्कर्सिव स्पेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए मिशेल फुको ने हेट्रोपिया का टर्म यूज किया था। जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि हेट्रोपिया का टर्म किसने दिया था, बहुत ज़्यादा डीप में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एट्रोपिया का टर्म जो है मिशेल फुको का एक एस्से है ऑफ अदर स्पेसेस, उसमें उन्होंने यूज किया है। वो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे एस्से तो आपको मिल जाएगा। कुछ सांस्कृतिक संस्थागत और विवेकपूर्ण स्थानों का वर्णन करने के लिए, तो उन्होंने हेट्रोपिया का जो वर्ड यूज किया था वो कुछ सांस्कृतिक संस्थागत और विवेकपूर्ण स्थानों का वर्णन करने के लिए किया था। और ये जो स्थान होते हैं या सांस्कृतिक संस्थागत होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? कोई अन्य होते हैं, मतलब अपने अपने आप में नहीं होते हैं, मतलब अपना नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य होता है जो परेशान करने वाला होता है, तीव्र होता है, असंगत होता है, विरोधाभासी होता है या परिवर्तनकारी होता है। ठीक, तो ये जो है ज़्यादातर परेशान करने वाले होते हैं, ऐसे कल्चरल संस्थागत होते हैं या ऐसे विवेकपूर्ण स्थान होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, तीव्र होते हैं, असंगत होते हैं, विरोधाभासी होते हैं या परिवर्तनकारी होते हैं। तो जनरली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हेट्रोपिया शब्द जो है वो किसने गढ़ा था या हेट्रोपिया की अवधारणा किसने दी थी, यही पूछा जाता है। बहुत डीप में क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। ठीक, हेट्रोपिया आर वर्ड विद इन वर्ड। हेट्रोपिया क्या है? वर्ड विद इन वर्ड।
एक वर्ड के कई वर्ड हो सकते हैं, ठीक उसी को इन्होंने हेटरोपिया नाम दिया। मिररिंग एंड एट अपसेटिंग व्हाट इज आउटसाइड, ठीक मिररिंग एंड अपसेटिंग व्हाट इज आउटसाइड। हेटरोपिया दुनिया के भीतर की दुनिया है, ठीक तो ये जो है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड है, ठीक है हेटरोपिया आर वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, दुनिया के भीतर दुनिया है, ठीक जो बाहर है उसे प्रतिबिंबित करती है और फिर भी परेशान करती है, ठीक जो बाहर है उसे प्रतिबिंबित करके परेशान करती है, ये कहने का मतलब है। ठीक तो हेट्रोपिया क्या है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड है, मिररिंग एंड एट अपसेटिंग व्हाट इज आउटसाइड। प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस, प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस एक बुक है, रिक्त स्थानों का उत्पादन ये एक किताब है, एक पुस्तक है, ये किसने लिखा था, लेफेवर ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू लेफेवर देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस, तो ये कहते हैं कि कई मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस हैं। अकॉर्डिंग टू लेफेवर देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पेसेस। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे मतलब एक चीज कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई कल्चरल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके अंदर बहुत सारी मीनिंग है, ठीक उसी को इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, मिररिंग एंड एक्ट ऑफ सेटिंग व्हाट इज आउटसाइड। ठीक मिररिंग करना मतलब आप अपने आप को देखते हैं उसमें, ठीक तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है, मिरर आप जब देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है, तो आपका क्या है, आपके अंदर भी एक दुनिया है, मिरर के अंदर आप खुद दिख रहे हैं, तो उसी को उन्होंने वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड कहा। ठीक तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डीप में मैंने इसलिए इसको डिस्क्राइब नहीं किया इसमें, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ हेट्रोपिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोपिया है क्या और ये मतलब हेट्रोपिया को किसने दिया था, ये बस पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस एक बुक है जिसको लिखा था लेफेवर ने, ठीक और उन्होंने कहा है कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस, कई तरीके हैं स्पेसेस स्पेस के प्रोडक्शन के, ये लेफेवर कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस, ठीक जो एक बुक है और इसको लेफेवर ने ही लिखा। लेफेवर के अनुसार अंतरिक्ष नहीं होगा ये स्थान होगा, ठीक लेफेवर के अनुसार स्थान के उत्पादन के विभिन्न तरीके, तो ये कहते हैं कि स्थान के उत्पादन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक और इसी के नाम से उन्होंने एक बुक लिखा था प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस। अब कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले आता है नेचुरल एंड सोशल स्पेस, तो दो स्पेस होते हैं, एक होता है नेचुरल स्पेस और एक होता है सोशल स्पेस, ठीक प्राकृतिक और सामाजिक स्थान, एक होता है प्राकृतिक स्थान और दूसरा होता है सामाजिक स्थान। ठीक अब प्राकृतिक स्थान क्या होता है, देयर आर थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल स्पेस, सोशल स्पेस को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके तीन लेवल हैं, ठीक सामाजिक स्थान के विश्लेषण के तीन स्तर हैं, तो ये कहते हैं कि सामाजिक स्थान के जो अगर आपको विश्लेषण करना है तो उसके तीन स्तर हैं, द स्पेस इटसेल्फ, तो स्पेस इटसेल्फ जो फिजिकल स्पेस होता है, जो जगह मौजूद होती है उसी को, वो एक मेन चीज़ है। ठीक तो तीन लेवल होते हैं, पहला लेवल क्या है, द स्पेस इटसेल्फ यानी कि फिजिकल स्पेस जो जगहें होती हैं, स्थान ही यानी कि भौतिक स्थान, जो भौतिक स्थान मौजूद होता है, जैसे एक एरिया होता है, ठीक एक कोई एरिया होता है उस एरिया को डिस्क्राइब करना, तो सोशल स्पेस को एनालाइज करने के लिए तीन लेवल होते हैं, पहला लेवल है द स्पेस इटसेल्फ यानी कि फिजिकल स्पेस, और दूसरा पहला है स्थान ही यानी कि भौतिक स्थान, दूसरा लेवल क्या है, द स्पेस आर रिप्रेजेंटेड डिस्कर्सिव स्पेस, और स्पेस जो रिप्रेजेंट होता है उसको इन्होंने डिस्कर्सिव स्पेस को इन्होंने द स्पेस एज रिप्रेजेंटेड यानी कि स्पेस को जैसा दिखाया जाता है, ठीक वो उसको डिस्कर्सिव स्पेस कहा जाता है। प्रतिनिधित्व के रूप में स्थान, विवेकपूर्ण स्थान जिसको कहा जाता है, ठीक प्रतिनिधित्व के रूप में स्थान जिसको विवेकपूर्ण स्थान कहा जाता है, ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल है स्पेस एज एक्सपीरियंस, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपका स्पेस है, ठीक स्पेस एज एक्सपीरियंस, जैसा आप एक्सपीरियंस करते हैं वो स्पेस, और अनुभव के अनुसार स्थान जो होता है जिसको रिप्रेजेंटेशनल स्पेस या प्रतिनिधित्वात्मक स्थान कहा जाता है, ठीक
तो अगर आपसे पूछता है कि सोशल लेवल अकॉर्डिंग टू लेफेवर देयर आर थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल स्पेस. द फर्स्ट वन इज फिजिकल स्पेस, भौतिक स्थान. दूसरा है डिस्कर्सिव स्पेस यानी कि विवेकपूर्ण स्थान. और तीसरा है रिप्रेजेंटेशनल स्पेस यानी कि प्रतिनिधित्वात्मक स्थान. ये तीनों लेवल आपको याद रखने हैं. फिजिकल स्पेस इज कंस्ट्रक्टेड बाय वेरियस एक्टर्स. फिजिकल स्पेस कैसे बनता है, बहुत सारे एक्टर्स जो है इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. एग्जांपल द स्टेट्स, लैंड ओनर्स एंड आर्किटेक्ट्स. जो स्टेट है, लैंड ओनर्स हैं या आर्किटेक्ट हैं, इनके पास स्पेसेस होते हैं. ठीक. भौतिक स्थान का निर्माण विभिन्न अभिनेताओं द्वारा किया जाता है. उदाहरण के लिए राज, जमींदार और वास्तुकार. इन सारे लोगों के पास स्पेसेज होते हैं, भौतिक स्पेस होते हैं, फिजिकल स्पेस होते हैं. ठीक. तो फिजिकल स्पेस इज कंस्ट्रक्टेड बाय वेरियस एक्टर, एग्जांपल द स्टेट, लैंड ओनर्स एंड आर्किटेक्ट्स. भौतिक स्थान का निर्माण विभिन्न अभिनेताओं द्वारा किया जाता है. उदाहरण के लिए राज, जमींदार और वास्तुकार. ठीक. राज, जमींदार और वास्तुकार. डिस्कर्सिव स्पेस इज मेंटली कॉन्स्ट्रक्टेड. अब डिस्कर्सिव स्पेस कैसे बनता है, लेफेवर का जो दूसरा लेवल है डिस्कर्सिव स्पेस, वो कैसे बनता है. डिस्कर्सिव स्पेस इज मेंटली कॉन्स्ट्रक्टेड. इसको मेंटली कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है बाय द वे द स्पेस इज डिस्कस्ड एंड रिप्रेजेंटेड. किस तरह से स्पेस को डिस्कस किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, यही डिस्कर्सिव स्पेस होता है. ये मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट के जरिए बनता है. ये फिजिकल स्पेस नहीं होता है, मेंटल आपके माइंड में होता है. तो इसीलिए ये मेंटल कंस्ट्रक्शन के जरिए बनता है. ठीक. जिस तरह से अंतरिक्ष की ऊर्जा, अंतरिक्ष नहीं होगा, ये स्थान होगा. ठीक है. जिस तरह से स्थान की चर्चा और प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो जिस तरह से स्थान की चर्चा या प्रतिनिधित्व किया जाता है उसके द्वारा ही विवेकपूर्ण स्थान मानसिक रूप से निर्मित होता है. तो आप बस याद इतना याद रखिए कि जो विवेकपूर्ण स्थान होता है वो मानसिक रूप से निर्मित होता है और इसी के जरिए जो है स्थान की चर्चा और उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है. ठीक. दिस इज सेपरेट फ्रॉम फिजिकल स्पेस. डिस्कर्सिव स्पेस जो है वो फिजिकल स्पेस से अलग होता है. एज स्पेसेस कैन हैव डिस्कर्सिव रिप्रेजेंटेशन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टिंग. तो इसमें जो डिस्कर्सिव स्पेस है वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं बगैर किसी फिजिकल एग्जिस्टिंग. ठीक. ये भौतिक स्थान से अलग है क्योंकि रिक्त स्थान भौतिक रूप से मौजूद हुए बिना, मतलब जो विवेकपूर्ण स्थान होते हैं वो भौतिक रूप से मौजूद हुए बिना ही विवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. विवेकपूर्ण स्थान अपना प्रतिनिधित्व बगैर भौतिक रूप से मौजूद हुए भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके माइंड में होता है. ठीक. दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्पेस इज सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड. रिप्रेजेंटेशनल स्पेस कैसे बनता है, ये सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड होता है बाय लिव्ड एक्सपीरियंस. लिव्ड एक्सपीरियंस के जरिए आप पीपल हु इंटरेक्ट विद इट. ठीक. जब आप वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके पास ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसको आप रिप्रेजेंटेशनल स्पेस कह सकते हैं. प्रतिनिधित्वात्मक स्थान सामाजिक रूप से उन लोगों के जीवित अनुभव से निर्मित है जो उसके साथ बातचीत करते हैं, यानी कि जो ऐसा अनुभव ले चुके हैं उन्हीं लोगों के जीवन से ये निर्मित होता है सामाजिक स्थान और ये सामाजिक रूप से ही बनता है. ठीक. प्रतिनिधित्वात्मक स्थान जो है सामाजिक रूप से बनता है और ये जो लोग ऐसा अनुभव कर चुके हैं उन्हीं के पास ये होता है. ठीक. दूसरा आता है रेशनल मॉडल ऑफ स्पेसेस. स्पेसेस का रेशनल मॉडल क्या है, स्थान का तर्कसंगत मॉडल क्या है. स्थान का तर्कसंगत मॉडल क्या है. तो मार्टिना लो डेवलप द आइडिया ऑफ अ रिलेशनल मॉडल ऑफ स्पेस. तो ये याद रखिएगा कि मार्टिना लो ने जो है किस तरह के मॉडल ऑफ स्पेस को दिया था, तो इन्होंने रिलेशनल मॉडल ऑफ स्पेस को दिया था. ठीक. मार्टिना लो ने रिलेशनल मॉडल ऑफ स्पेस को दिया था विच फोकसेस ऑन द ऑर्डिनरी ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड सोशल ग्रुप्स. ये क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो भी लिविंग स्पीसीज हैं उनको ऑर्डर में लग रखते हैं. ठीक. और जो सोशल गुड्स हैं उनको ऑर्डर में लग रखते हैं. ठीक. सो मार्टिना लो ने जो है
रिलेशनल मॉडल ऑफ स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो फोकस करता है ऑर्डरिंग ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड सोशल गुड्स, जो लिविंग एंटिटीज हैं या सोशल गुड्स हैं उनको ऑर्डर में लगाने का काम करते हैं। ठीक, तो स्थान का तर्क संगत मॉडल क्या है? मार्टिना लो ने स्थान के एक संबंध परक मॉडल का विचार विकसित किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संबंध परक मॉडल, स्थान के संबंध परक मॉडल किसने दिया था? मार्टिना लो ने दिया था, जो जीवित संस्थानों और सामाजिक वस्तुओं के आदेश पर केंद्रित। ठीक, तो ये ज्यादातर क्या है, ऑर्डर करते हैं लिविंग एंटिटीज और सोशल ग्रुप्स। ठीक, जीवित स्थान और सामाजिक वस्तुओं के आदेश पर केंद्रित है। आदेश नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्रम है, क्रम पर केंद्रित होता है, सामाजिक वस्तुओं के क्रम पर केंद्रित होता है। एग्जामिन्स हाउ स्पेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्रोसेस ऑफ परसेप्शन रिकॉल और आइडिएशन टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर। जांच करता है, तो ये क्या है, रिलेशनल स्पेस क्या है, जांच करता है कि सामाजिक संरचना के रूप में खुद को प्रकट करने के लिए धारणा, स्मरण या विचार की प्रक्रियाओं में स्थान कैसे बनता है। तो ये एग्जामिन करता है कि स्पेस कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन में और रिकॉल करने में, या आइडिएशन टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज सोसाइटल स्ट्रक्चर। तो ये एग्जामिन करता है, सिंपल बात इसमें ये है कि ये एग्जामिन करता है कि कैसे स्पेस का डेवलपमेंट होता है, कैसे जो है स्थान का जो है विकास होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइम स्पेस कंप्रेशन, समय स्थान संपीड़न, समय स्थान संपीड़न। टाइम स्पेस कंप्रेशन आल्सो नोन एज स्पेस टाइम कंप्रेशन एंड टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। तो इसको तीन नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, टाइम स्पेस कंप्रेशन या स्पेस टाइम कंप्रेशन, उल्टा हो जाता है, स्पेस पहले आ जाता है, टाइम बाद में आ जाता है, एंड टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो टाइम समय स्थान संपीड़न, समय स्थान संपीड़न स्पेस टाइम कंप्रेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इट इज एन आइडिया रेफरिंग, अब ये टाइम स्पेस कंप्रेशन क्या है, इट इज एन आइडिया रेफरिंग टू द अल्टरिंग ऑफ क्वालिटीज ऑफ स्पेस टाइम एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम That is a consequences of the expansion of capital. तो ये क्या है, ये एक आइडिया है जो रिफर करता है कि किस तरह से क्वालिटीज जो है स्पेस और टाइम की क्वालिटीज जो है वो अल्टर हो रही है, यानी कि उसको कैसे कट किया जा रहा है, कम जगह पे कम टाइम में कैसे ज्यादा काम हो जा रहे हैं, कि उसी को अल्टर करना है कि आप टाइम भी कम कर रहे हैं और स्पेस भी कम कर रहे हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम, और स्पेस और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, That is a consequence of the expansion of capital. ये किसकी वजह से होता है, टाइम और स्पेस, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन या टाइम स्पेस कंप्रेशन किसकी वजह से होता है, एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बढ़ने की वजह से, पूंजी के विस्तार से। ठीक, स्पेस टाइम के गुणों को बदलने और स्पेस और समय के बीच के संबंध को संदर्भित करने वाला एक विचार। तो टाइम स्पेस कंप्रेशन क्या है, स्पेस या टाइम, ठीक, समय या स्थान के गुणों को बदलने और स्पेस और समय के बीच में क्या संबंध है, इसको संदर्भित करने का एक विचार होता है। और ये कैसे निकल के आता है, ये पूंजी के विस्तार का परिणाम होता है। ठीक, तो टाइम स्पेस कंप्रेशन ये किसके किसका परिणाम है, ये पूंजी के विस्तार का परिणाम। ठीक, इट इज रूटेड इन कार्ल मार्क्स थ्योरी। तो टाइम स्पेस कंप्रेशन या टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन ये किसकी थ्योरी में पाया जाता है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पाया जाता है, of the annihilation of space. ठीक, तो इनका क्या है, annihilation of space by time, originally elaborated in Grundrisse. तो Grundrisse एक उनकी बुक है, उसमें ही इन्होंने annihilation of space by time की बात किया है, कि किस तरह से स्पेस का जो है annihilation होता है time के साथ। ये Karl Marx का ही अवधारणा है, ये Karl Marx की ही थ्योरी में पाई जाती है ये, खासतौर से उनकी जो बुक है Grundrisse, उसी में इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है, टाइम स्पेस कंप्रेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। ठीक, तो ये Karl Marx के समय के साथ स्थान के विनाश
किस तरह से अस्थान का विनाश हो रहा है, किस अस्थान का विनाश मतलब कि जगहें कैसे कम हो रही है। अभी क्या है, सारी चीजें वर्चुअल होती जा रही है, ठीक, इसमें जगह की कम कम वो जरूरत है नहीं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि कम्युनिटी जो है पहले उसमें टेरिटरी होना जरूरी होता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक। कार्ल मार्क्स के समय के साथ स्थान के विनाश के सिद्धांत में निहित है, जो मूल रूप से ग्रांड्रिस्ट में विस्तृत है। तो ग्रांड्रिस्ट क्या है, उनकी एक पुस्तक है, ठीक, उसमें इन्होंने इसका इस सिद्धांत को दिया है, ठीक। इट वॉज लेटर एट आर्टिकुलेटेड बाय मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर डेविड हार्वे। बाद में कार्ल मार्क्स के बाद इसको जो है किसने आर्टिकुलेट किया था, डेविड हार्वे ने किया था, टाइम स्पेस कंप्रेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन को, इन हिज बुक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ठीक। तो कंडीशन द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी किसकी बुक है, डेविड हार्वे की बुक है, ठीक। और इसमें इन्होंने टाइम स्पेस कंप्रेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन की बात की। बाद में मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में व्यक्त किया, ठीक। तो पोस्ट मॉडर्निटी, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी किसकी पुस्तक है, डेविड हार्वे की है, और इसमें ही इन्होंने टाइम स्पेस कंप्रेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन की बात की है। ये एक मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी ज्योग्राफर थे, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर थे, यानी कि मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता, ठीक, मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन क्या है, समय स्थान दूरी क्या है। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन इज द टर्म प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिबन्स। तो टाइम स्पेस कंप्रेशन जो है वो कार्ल मार्क्स का है, लेकिन टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन जो है वो किसका है, एंथनी गिबन का, ठीक। तो टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन इज अ टर्म प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिबन्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल सिस्टम अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इस तरह से सोशल सिस्टम जो बढ़ रहा है टाइम और स्पेस को के आगे जाकर, यानी कि यहाँ पे टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं। पहले क्या है, किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था, बहुत ज्यादा स्पेसेज भी लगते थे, लेकिन अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहती, ठीक। तो इसी को टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन कहा गया है। कम समय में ज्यादा जगहों पर अब लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन इज अ टर्म प्रपोज बाय ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिबन्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल सिस्टम अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। तो जनरली इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये याद रखिएगा आप, एंथनी गिबन्स ने दिया था। या टाइम स्पेस कंप्रेशन का किसने दिया था, तो वो ग्रॉन्ड्रिस ने, कार्ल मार्क्स ने दिया। समय स्थान की दूरी, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथनी गिबन्स द्वारा स्थान और समय के सामाजिक प्रणालियों के फैलाव का वर्णन करने के लिए प्रस्तावित एक शब्द है कि किस तरह से जो है सामाजिक प्रणाली जो है वो स्थान और समय से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, इससे आगे फैल रहे हैं, यानी कि कम समय में ज्यादा स्थान तक लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक। इसी को टाइम स्पेस डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। उसको इस टर्म को किसने दिया था, ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथनी गिबन्स ने दिया, उनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक। स्थान और समय में सामाजिक प्रणाली के फैलाव का वर्णन करने के लिए, तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, समय स्थान दूरी का की अवधारणा किसने दी थी, तो आप याद रखिए कि एंथनी गिबन्स ने दिया, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर्विलांस। सर्विलांस क्या है, बिगिनिंग विद बेंथम्स पैनोप्टिकंस एंड प्रपोज पेनोप्टिसिज्म टू डिसिप्लिन सर्विलेंस थ्योरी, देन डेवलप अकाउंट्स ऑफ सर्विलेंट एजेंबलेज एंड नेटवर्क सर्विलेंस, ठीक। तो ये कहाँ से शुरू होता है, सर्विलेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले बेंथम्स ने क्या कॉन्सेप्ट, सर्विलेंस मतलब क्या होता है, सर्विलेंस मतलब आपने सुना होगा, कई जगह पर देखा भी होगा कि लिखा होता है क्या, फिर आपने कई जगह पे लिखा देखा होगा कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो सर्विलेंस मतलब किसी चीज को देखना, एक लगातार उस पर निगाह बनाए रखना,
उसी को सर्विलेंस कहा जाता है। तो सर्विलेंस शुरू कैसे होता है? बिगनिंग में बैंथम्स पनॉप्टिकन्स, तो सर्विलेंस की बात किसने किसने की है? सबसे पहले बैंथम ने बात की है पनॉप्टिकन्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पनॉप्टिकन्स। पनॉप्टिकन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एक बीच में जगह होती है, उसके चारों तरफ लोग देखते रहते हैं। जैसे पनॉप्टिकन्स क्या है? एक प्रिज्म, ठीक। प्रिज्म का एक एग्जाम्पल है, जिसमें प्रिज्म में क्या है, बीच में जो है गॉड होता है और बाकी उसके चारों तरफ प्रिज्म बनी होती है। तो सारे प्रिज्म वालों को लगता है कि वो गॉड उन्हीं को देखता है, लेकिन असल में वो किसी एक पे निगाह रख पाता है एक समय, ठीक। तो बैंथम ने कॉन्सेप्ट दिया था पनॉप्टिकन्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि पनॉप्टिकन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम, ठीक। तो बैंथम ने कॉन्सेप्ट दिया था पनॉप्टिकन्स। फुको ने भी उनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दिया था पनॉप्टिसिज्म, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पनॉप्टिकन्स और पनॉप्टिसिज्म से, क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट या हु डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट पनॉप्टिसिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा फुको। एंड अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है हु डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट पनॉप्टिकन्स, तो ये हो जाएगा बैंथम। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सिस्टम लगा हुआ है तो फुको का हो जाएगा, पम्स है पनॉप्टिकन्स है तो वो बैंथम हो जाएगा, ठीक। तो सर्विलांस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले बैंथम ने पनॉप्टिकन्स की बात की है, उसके बाद फुको ने पनॉप्टिसिज्म की बात की है, फिर उसके बाद बात होती है डिसिप्लिन सर्विलेंस की, फिर सर्विलांस थ्योरी की बात होती है, देन डेवलप अकाउंट्स ऑफ सर्विलेंस असेंबलेजेस एंड नेटवर्क सर्विलेंस, ये सारी चीज़ों की बात होती है उसके बाद। निगरानी क्या है? अनुशासित सर्वेक्षण के लिए बैंथम के पनॉप्टिकन्स और फुको के पनॉप्टिसिज्म। तो बैंथम ने कॉन्सेप्ट दिया था पनॉप्टिकन्स और फुको ने कॉन्सेप्ट दिया था पनॉप्टिसिज्म। उसके शुरुआत करते हुए निगरानी सिद्धांत आया, फिर निगरानी समूह आया और नेटवर्क निगरानी के खातों को विकसित करता है, ठीक। डेट कंट्रोल, अब ये क्या है? सर्विलांस क्या है? सर्विलांस डेट कंट्रोल कंज्यूमर एंड देयर डाटा डबल्स, ठीक। तो ये क्या करता है कि कंज्यूमर के डाटा को कंट्रोल करता है, ठीक। टू फाइनली ब्रांच आउट टू थ्योराइजिंग करंट मोड्स ऑफ सर्विलेंस सच एज सर्विलांस एंड पार्टिसिपेटरी सर्विलांस, ये नियंत्रण उपभोक्ताओं और उनके डेटा को दोगुना कर देता है। अंततः निगरानी के मौजूदा तरीकों जैसे कि सर्विलेंस और पार्टिसिपेटरी सर्विलेंस। तो देखिए यहाँ पे सर्विलेंस है, ठीक। सर्विलेंस किसको कहते हैं? सर्विलांस किसको कहते हैं? सर्विलांस कहते हैं जैसे कि गवर्नमेंट की आपकी आपके ऊपर निगाह हो तो इसको सर्विलांस कहते हैं। सर्विलेंस किसको कहते हैं? जब आपकी गवर्नमेंट के ऊपर निगाह हो कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। जब पब्लिक की गवर्नमेंट के ऊपर निगाह हो तो इसको सर्विलेंस कहते हैं, और सर्विलांस कहते हैं जब गवर्नमेंट की आपके ऊपर निगाह हो तो उसको सर्विलांस कहते हैं। सच एज द सर्विलेंस एंड पार्टिसिपेटरी सर्विलेंस, ये नियंत्रण उपभोक्ताओं और उनके डेटा को दोगुना कर देता है। अंततः निगरानी के मौजूदा तरीके जैसे कि सर्विलेंस और पार्टिसिपेटरी सर्विलेंस को सिद्धांतबद्ध करने के लिए शाखाबद्ध हो जाता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड हैं वो किससे हैं? निगरानी से रिलेटेड हैं, सर्विलेंस से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम। प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रण माध्यम। तो सर्विलांस में आपको तीन नाम याद रखने हैं, बैंथम का पनॉप्टिकन्स, फुको का पनॉप्टिसिज्म, ठीक। प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया कब से स्टार्ट हुई, मुद्रण माध्यम कब से स्टार्ट हुआ, ठीक, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आता है इट इज अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया इन विच इट शेयर्स द न्यूज और कंसर्निंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाया द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। ये मास मीडिया का एक फॉर्म है, एक तरीका है, एक मतलब एक शक्ल है मास मीडिया की, जो शेयर करता है न्यूज़ को एक प्रिंटेड फॉर्म, जो न्यूज़ को शेयर करता है एक प्रिंटेड फॉर्म में, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करता है एक प्रिंटेड फॉर्म में या पब्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, ठीक। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया इन विच इट शेयर्स द न्यूज़ और कंसर्निंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाया द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। प्रिंटेड फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन के फॉर्म में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है या न्यूज शेयर की जाती है, उसी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। और प्रिंट मीडिया क्या है? एक फॉर्म ऑफ मास मीडिया।
एक मास मीडिया का एक फॉर्म है। ठीक, मुद्रण माध्यम क्या है? ये मास मीडिया का एक रूप है। ठीक, तो ये मास मीडिया का एक रूप है जिसमें ये प्रकाशनों के मुद्रित रूप के माध्यम से समाचार या सूचना के टुकड़ों को साझा करता है। तो ये क्या करता है, जो सूचना के टुकड़े हैं यानी कि जो भी छोटी मोटी सूचना है या जो समाचार है उसको मुद्रित रूप के माध्यम से, ठीक, उसको प्रकाशित करके उसको मुद्रित रूप से फैलाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मुद्रण माध्यम कहा जाता है। और मुद्रण माध्यम क्या है, मास मीडिया का एक रूप है। ठीक, मास मीडिया का ये एक रूप है। नेक्स्ट आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इज द ओल्डेस्ट मीन्स बाय विच पीपल स्टिल शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटायर ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस। तो प्रिंट मीडिया क्या है, ये सबसे पुराना फॉर्म, सबसे पुराना मीन्स है जिसके जरिए लोग जो है अभी तक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी तक आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, ठीक, तो अभी तक सबसे पुराना तरीका है, लेकिन अभी तक इस पे लोग जो है इसके जरिए लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं अक्रॉस एन इंटायर ग्रुप ऑफ ऑडियंस, एक इंटायर ग्रुप ऑफ ऑडियंस तक अपनी न्यूज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। तो आज भी आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, भले ही मतलब आप सोशल मीडिया पे सारी न्यूज़ पहले भी पढ़ लेते हो, लेकिन न्यूज़पेपर अभी भी आपको मिलते हैं। ठीक, लेकिन ये सबसे पुराना मीन्स है, ठीक, इंफॉर्मेशन शेयर करने का सबसे पुराना मीन्स है। प्रिंट मीडिया इज द ओल्डेस्ट मीन्स बाय विच पीपल स्टिल शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस एन इंटायर ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस। प्रिंट मीडिया सबसे पुराना साधन है। तो प्रिंट मीडिया क्या है, सबसे पुराना साधन है। प्रिंट मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रण माध्यम कहते हैं। तो मुद्रण माध्यम सबसे पुराना साधन है, ठीक, जिसको लोग अभी भी दर्शकों के एक पूरे समूह में जानकारी साझा करते हैं। ठीक, तो मतलब अपने आसपास जानकारी साझा करने के लिए लोग अभी भी मुद्रण मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मुद्रण माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले। और ये सबसे पुराना साधन, ठीक, आप अभी भी देखेंगे समाचार आपके आसपास, समाचार पेपर जो होते हैं वो अभी भी आपके पास मिल जाएंगे। It only publishes information in a printed form. ये क्या करता है, प्रिंट मीडिया क्या करता है, ये सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है प्रिंटेड फॉर्म, ठीक, हार्ड कॉपी में, एंड देन रिलीजेज इट टू इट्स यूजर, और फिर उसको अपने यूजर के साथ यूजर को दे दिया जाता है, जो भी उसका उसको यूज करते हैं। जैसे समाचार पेपर बनते हैं फिर उसको बांट दिया जाता है, मैगजीन वगैरह बनते हैं फिर उसको बांट दिया जाता है जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनके पास। टू मेक इट मोर रीडर फ्रेंडली, ताकि इसको ज़्यादा रीडर फ्रेंडली बनाया जा सके देन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में ये ज़्यादा रीडर फ्रेंडली होता है, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करने का तरीका भी नहीं पता है वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है आसानी से। ठीक, तो ये केवल मुद्रित रूप है जिसको जिसका हार्ड कॉपी निकाल कर किया जाता है, इसमें जानकारी प्रकाशित करता है और फिर इसे अपने उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में अधिक पाठक अनुकूल बनाने के लिए जारी करता है, क्योंकि ये अधिक पाठक अनुकूल होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में, उसकी तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे लोग हो सकता है ना यूज़ कर पाएं, लेकिन प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रण माध्यम सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ठीक, सम वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो पॉपुलर टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया कौन कौन सी हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं एट्सेट्रा, ये सारे जो है प्रिंट मीडिया के एग्जांपल हैं। कुछ बहुत लोकप्रिय प्रकार के प्रिंट मीडिया में किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं आदि शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जो है मुद्रण माध्यम में आती हैं, ठीक है, प्रिंट मीडिया में। कुछ बहुत लोकप्रिय प्रकार के प्रिंट मीडिया में किताबें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि शामिल होते हैं। ठीक, ये सारे मुद्रण मीडिया मुद्रण माध्यम के एग्जाम्पल होते हैं। नो लाइव रिपोर्टिंग, लाइव डिस्कशन और लाइव शो इज पॉसिबल। प्रिंट मीडिया में कोई भी लाइव डिस्कशन, लाइव रिपोर्टिंग, लाइव शो जो है ये पॉसिबल नहीं होता है जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है। विद द प्रिंट मीडिया इट फॉलोज द मेथडोलॉजी ऑफ एन इंटरवल अपडेट। ये जो है इंटरवल अपडेट की मेथडोलॉजी का फॉलो करता है। इंटरवल अपडेट की मेथडोलॉजी क्या है,
ये कुछ समय के लिए आपकी आपको न्यूज प्रोवाइड करता है, जैसे आज जो सारी चीजें हुई उसको कल प्रोवाइड करेगा, तो हर 24 घंटे में ये आपको न्यूज प्रोवाइड करता है। तो ये क्या फॉलो करता है, ये इंटरवल मेथडोलॉजी को फॉलो करता है, ठीक, क्योंकि उसको छपने में भी टाइम लगता है। आज दिन भर जो सारी चीजें हुई फिर उसको छपने के लिए गया, तो जब तक वो छप रहा है उस बीच में जो घटनाएं होंगी वो उसमें नहीं छपेंगी, वो उसके बाद वाले जो न्यूज़पेपर आएंगे उसमें छपेंगे, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है मेथडोलॉजी ऑफ एन इंटरवल अपडेट को फॉलो करता है, ठीक। प्रिंट मीडिया के साथ कोई लाइव रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, लाइव चर्चा नहीं हो सकती, लाइव शो संभव नहीं होता, ठीक। ये एक अंतराल अद्यतन की पद्धति का अनुसरण करता है, यानी कि एक अंतराल अद्यतन की पद्धति को ये फॉलो करता है, क्योंकि कुछ अंतराल के लिए ही आपको न्यूज दे सकता है, क्योंकि उसको प्रिंट करने में भी टाइम लगता है, फिर बांटने में भी टाइम लगता है। जो सुबह में आपको न्यूज़पेपर मिलता है वो सुबह की घटना के लिए थोड़ी ना होता है, वो एक दिन पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं उसी के बारे में होता है, ठीक। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया, ये भी मास मीडिया का फॉर्म है, दैट शेयर न्यूज और एनी अदर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाया एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ऑडियंस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के जरिए इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, न्यूज वगैरह को शेयर करता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ मास मीडिया है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए न्यूज़पेपर का न्यूज जो है और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं व्यूअर्स और ऑडियंस तक, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, ये मास मीडिया का एक रूप है जो सभी दर्शकों और दर्शकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार या अन्य जानकारी साझा करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार या जानकारी साझा करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है, ये भी मास मीडिया का एक रूप होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्व्स एज अ वेरी एडवांस मीन्स ऑफ शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन और न्यूज। तो ये एडवांस मेथड है किसी भी डाटा को शेयर करने का, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का या न्यूज शेयर करने का, ये एडवांस मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेटा और सूचना समाचार साझा करने के एक बहुत ही उन्नत साधन के रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत ही एक उन्नत साधन है क्या करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, साझा करने के लिए, और सूचना को साझा करने के लिए या समाचार को साझा करने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया द पब्लिशर नीड टू अपलोड द इंफॉर्मेशन। इस टाइप की मीडिया में पब्लिशर को अपलोड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को, या ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है इसको, जैसे टीवी वगैरह पे जो आप देखते हैं या फेसबुक वगैरह पे जो देखते हैं, वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक। आफ्टर विच एनी यूजर कैन ईजली व्यू इट्स थ्रू देयर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम डिवाइसेस। तो कोई भी यूजर, जैसे ही वो पब्लिश हो जाता है, जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, उसके बाद कोई भी आदमी, तुरंत ही कोई आदमी जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसका इस्तेमाल करके उसको पा सकता है, उसको ईजिली जो है वो उसको व्यू कर सकता है। इस प्रकार के मीडिया में प्रकाशक को जानकारी अपलोड करना होता है, ठीक, या प्रसारित करना होता है, उसकी आवश्यकता होती है कि मतलब वो जो भी जानकारी है, जो भी न्यूज़ है, जो भी समाचार है या सूचना है, उसको प्रकाशित करे या उसको प्रसारित करे, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। उसके बाद कोई भी उपभोक्ता जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या उपकरण है, उसके जरिए वो आसानी से उसको देख सकता है, ठीक। दस इट एक्ट मोर यूजर फ्रेंडली देन प्रिंट मीडिया। तो ये जो है ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होता है प्रिंट मीडिया के मुकाबले, ठीक। इस प्रकार ये प्रिंट मीडिया की तुलना में अधिक उपभोक्ता के अनुकूल कार्य होता है, ठीक। इसीलिए माना जाता है कि प्रिंट मीडिया के मुकाबले में, क्योंकि तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में, तो ये प्रिंट मीडिया के तुलना में ज़्यादा उपभोक्ता के अनुकूल होता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कुछ पॉपुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन कौन सी है, इंक्लूड्स मोबाइल ऐप्स न्यूज, जो मोबाइल ऐप न्यूज होती हैं, जैसे बहुत सारे ऐप आते हैं न्यूज के, जिसके जरिए जो है आपको न्यूज तुरंत मिल जाती है। टेलीविजन है, टेलीविजन न्यूज है, डेस्कटॉप स्ट्रीम है, एंड मेनी मोर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सबसे लोकप्रिय प्रकार क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मोबाइल ऐप समाचार है, टेलीविजन समाचार है, डेस्कटॉप स्ट्रीम है,
और बहुत कुछ शामिल है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंट मीडिया और मास मीडिया के बारे में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेक इट पॉसिबल फॉर इट्स यूजर टू होल्ड लाइव डिस्कशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये पॉसिबल है कि लाइव डिस्कशन हो सकते हैं। हम लोग मोबाइल में देख लेते हैं लाइव डिस्कशन जब होता है, ठीक, लाइव अपडेट्स मिल सकते हैं, लाइव रिपोर्टिंग हो सकती है एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं जो प्रिंट मीडिया में पॉसिबल नहीं। इट इज बिकॉज दिस मीडिया मेक्स यूज ऑफ मेथड ऑफ एन इमेडिएट अपडेट। ये क्या करता है, इमेडिएट अपडेट करता है। अभी कोई घटना हुई, तुरंत अपलोड करके तुरंत आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, 15-20 मिनट के अंदर आपको उस घटना के बारे में पता चल जाता है। खाली वो अपलोड करने की देरी होती है, जितनी देर में वो अपलोड होता है उससे उसके अपलोड होते ही आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसीलिए इसमें लाइव डिस्कशन, लाइव अपडेट, लाइव रिपोर्टिंग पॉसिबल है और ये इमीडिएट अपडेट पे काम करता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव चर्चा, लाइव अपडेट, लाइव रिपोर्टिंग और आदि करना संभव बनाता है, ठीक। तो इसमें लाइव रिपोर्टिंग हो सकती है, लाइव अपडेट हो सकती है, लाइव चर्चा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मीडिया तत्काल अपडेट की एक विधि का उपयोग करता है। क्योंकि ये तत्काल अपडेट की विधि का उपयोग करता है इसलिए सारी चीज़ें लाइव होना संभव होता है, ठीक। ठीक है, डिजिटल डिवाइड जो है वो कल करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। Any question? ओके, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।